बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर सिस्टर वीरन वीरनियों दे भैणां भराओ, उम्मीद करते हैं तुसी सारे ठीक होवोगे इंशाल्लाह और महफूज होवोगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों दे बाद काफ़ी दिन तो मैं बीमार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी थे कि आप किधर हैं, इंतज़ार होता है, मुझे भी आप सबका इंतज़ार होता है, तो इसी तरह मेरा भी काफ़ी सारे दोस्त बहन भाई इंतज़ार करते हैं। तो आप सबका थैंक यू। मैं बेसिकली बीमार था, बीमारी से बाहर निकलने के बाद फिर 3-4 दिन बिजी हो गए थे, काम भी सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, तो इस वजह से तकरीबन 10 दिन हो गए हैं हमें ना आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं। मैं बीच बीच में वीडियो वगैरह देखता था, जिनकी रह गई हैं उनसे माजरत, लेकिन काफ़ी हद तक मैं देख लेता था। बहुत सारी वीडियो पे कमेंट करने का भी नहीं टाइम होता है, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश होती है, हर वीडियो पे कमेंट करूँ, लेकिन किसी का रह भी जाए तो भाई माजरत चाहते हैं आप सबसे। तो चले जी कर लेते हैं रेसिपी। तो जी, पैन में उबल तो आप पानी है, 2 तेज़पत्ता डालिए, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच भर के साबुत जीरे का, 1 हमने डाली इसमें बैंगन का फूल, और अब इसमें डालेंगे जी 1 बड़ी इलायची और बाकी जो खड़े मसाले हैं, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा हमने डाला है, सारी चीज़ें इसमें आपने डाल लेनी है जो जो भी आपके पास हो, और जो ना हो वो स्किप कर दें और डाल दें। साथ ही चिकन इसी उबलते हुए खोलते हुए पानी में, तो इसका करेंगे इंतज़ार, हमने करना है इसको मैक्सिमम 10 मिनट के आसपास इसको उबाल लेना अच्छी तरह, ताकि इसकी प्यारी सी यखनी निकल आए। और आगे चल के हमने इसमें फ्राई प्याज भी डालना है, और कुछ प्याज हम ऐसे बगैर फ्राई के वो भी डालेंगे, यही चीज़ है इस पुलाव को इतना टेस्टफुली बनाने में। प्याज 2 अलग अलग टाइप के ज़रूर डालने हैं ना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और आगे चल के जैसे पुलाव बनता है इसको वाइट कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें मतलब वाइट रखना आप सबको पता ही होगा, बड़ा आसान है। मेरी कोशिश थी जैसे वाइट चावल नहीं होते, सादा चावल उबालते हैं, इसको सेम वैसे ही करूं, लेकिन ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है, वाइट ही है लेकिन उतना नहीं जितने उबलते हुए उबाले हुए चावल होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वैसे बिल्कुल बनेगा, हम बनाते हैं। तो इसमें हमने डाल लिया प्याज, फ्राई प्याज, और 5 से 6 अदद हमने बीच से चीरा दे के सब्ज मिर्ची डाल ली है। अब जो बगैर फ्राई के प्याज है, जो आम था तो आपके सामने ये वाला प्याज भी, इसमें हमने आधा प्याज डाले छोटा और पूरा डाले, लेकिन हमारे पास बड़ा है तो इसलिए हमने हाफ कर लिया इसको। अब जी ये हो गया कंप्लीट। इसमें नमक आप बिल्कुल भी डालना नहीं भूलना, मैंने भी नमक डाला है, डाल रहा हूँ अभी 1 चम्मच नमक डाला। एक ये हमारे पास ना 1 किलो के आसपास चिकन है, 1 केजी के हिसाब से आपने इस केस को ट्रीट करना है, तो थोड़ा सा कर लें मिक्स और फिर छोड़ दें इसको इसके हाल पर 10 मिनट। 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट में अच्छा खासा उबल जाता है चिकन, हमारे पास वैसे ही चिकन उबला हुआ होता है, बस ऐसे थोड़ा सा इधर उधर करें तो ओके हो जाता है। तो अब 7 मिनट इसमें डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास दही था, वो इसमें अभी ऐड कर लेना, बाद में नहीं करना, देखना इस पानी में आपने भी ऐसे ही करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही टेस्टफुली रेसिपी है, डरने वाली कोई बात नहीं, अगर डरने वाली कोई बात होती ना हम बिल्कुल रेसिपी अपलोड नहीं करते। तो करते हैं जी अब इंतज़ार इसका तकरीबन 10 मिनट, तो फिर 10 मिनट के बाद आपके पास आते हैं। जब हम आएंगे ना तो इसको छान के लेके आएंगे, इसको एक छन्ने में डाल के छानने के अलावा हमने दूसरा एक पैन ले लिया, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, आप चाहे तो वही यूज़ कर लें या जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब जी इस प्याज को, ये प्याज ऑलरेडी गर्म है, हीटर पर, तो इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जो जो चीज़ें इसमें डालनी है सब आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। अब जी इसमें डाल लेते हैं खड़े मसाले, सबसे पहले काली मिर्चें, और साथ ही थोड़ा सा कर लेंगे जीरा ऐड, आप जितना आपकी मर्जी हो थोड़ा कर लें, ज़्यादा कर लें, बैंगन का फूल है, सब्ज़ इलायचियाँ, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और 2 अदद बड़ी इलायचियाँ। तो अब साथ ही हम कर लेंगे इसमें प्याज बारीक कटा हुआ, जैसे आपको अच्छा लगे, लंबा मतलब बारीक मोटा ताज़ा, जैसे अच्छा लगे वैसे काट लें, कोई भी बंदी नहीं है आपने कैसे करना है। अब इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स, जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इस प्याज का हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो पुलाव का कलर वही ब्राउन ब्राउन सा होगा जो नॉर्मली पुलाव का कलर होता है, तो हमने ये बनाना है वाइट, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे ही ये हल्का सा नरम हो जाएगा ना तो फिर साथ कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड। सो जी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने
कॉल इट, इसको इतना पकाना है कि इसकी जो अपनी एक खुशबू होती है ना वो ख़त्म करनी है। बहुत ज़्यादा इसको भी ब्राउन नहीं करना, जैसे आपको लगे ना हल्का सा डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया है और इन नोज़ी में फील होना शुरू हो गया है कि पे अदरक और लहसुन पक गया, तो बस फिर इसमें आप चिकन डाल लें, या आप अगर आपको फील करें तो थोड़ा सा पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, चिकन ऐड करने के बाद इसमें ना तो हम कोई रेड मिर्ची ऐड कर, लाल वाली मिर्ची ऐड कर रहे हैं, ना कोई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रहे हैं। सब्ज़ मिर्ची वही हमने जो 4-5 अदद पहले जब चिकन का हम बना रहे थे यखनी तब हमने ऐड की थी, तो उसी टाइम बस वही, और थोड़ी सी अब हमने ब्लैक पेपर ऐड कर लिया। आगे चल के हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के, क्योंकि अगर इसमें हम दूसरी तीसरी मिर्ची ऐड करेंगे ना तो फिर इसका कलर ख़राब होगा, तो कलर तो बिल्कुल भी इस फ्लावर ख़राब नहीं करना है। हाँ, आप सब्ज़ मिर्ची साबुत वाली इसमें जितनी चाहे ऐड करें, जितना आपको तीखा पसंद करें उतनी ही आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं डाल रहे, आपके सामने ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें आपकी स्वाद है। तो अब हम इसमें कर देते हैं चावल ऐड। चावलों को हमने तकरीबन आधे घंटे से कुछ टाइम ज़्यादा होगा जो पानी में डाल के रखे हुए थे, भिगो के सो करके रखे हुए थे, ज़्यादा टाइम चावलों को सो कर लेना, फिर ये होता है कि कुकिंग में बहुत ईजी रहते हैं और ये काफ़ी लेंथी बट बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तब इनको थोड़ा सा इसी आयल में करेंगे, इनको भी हल्का सा ऊपर नीचे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम कर लेंगे यखनी ऐड, जो हमने इसका एक स्टॉक निकाल के रखा हुआ है, वो बिल्कुल हमने सारा इसमें नहीं डाल लेना, हम सारा नहीं डाल रहे, आपने भी जितना निकले वो पूरे का पूरे नहीं इसमें डालना, चावल के चावलों की खीर नहीं बना लेनी है ना। थोड़ा सा ऐड करेंगे जो हमने स्टॉक रखा है, आपके सामने हमने 1 चम्मच भर के इसमें 2 टीस्पून फुली इसमें वाइट पेपर के ऐड कर लिए, और अब इसके ऊपर कर देंगे हम आराम से यखनी ऐड थोड़ी सी जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो, हम चावलों के हिसाब से कर रहे हैं, आपको जितनी अच्छी लगे ना उतनी आप सॉरी जितनी अच्छी नहीं लगे जितनी ज़रूरत हो उतनी इसमें डालें, हमने बस इतनी इसमें ऐड की है जो हमारे चावल बस टिप हो जाए, चावल डूब जाए ना इसमें यखनी में कवर हो जाए, बस ये काफ़ी है, क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा हमने काफ़ी पहले सो करके रखे हुए थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें यखनी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना हमने अब फ्लेम रखी हुई है बिल्कुल हाई पे, ना बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं लेकिन हाई है, चावलों के हिसाब से बिल्कुल फ्लेम जितनी आप हाई कर सकते हैं ना उतनी हमने की हुई है, मतलब जितनी मैं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा करेंगे तो नीचे लग जाते हैं, इसलिए इतनी रख ली है मैंने कि पानी फटाफट ये खुश्क हो जाए, पानी हमने सुखा लेना है, और पानी सुखाने के बाद ना हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन मैक्सिमम 20-25 मिनट, इतना ही टाइम लगा होगा, तो 20-25 मिनट जैसे हमारे पूरे होते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे, पानी को हमने करना है खुश्क, कि हमने आपको आगे वाला प्रोसेस बताया कि हमने इसको इतना टाइम दिया था, और फिर इसका आपको दिखाएंगे फाइनल, ये फाइनल कैसे आया है, फाइनल लुक इसका कैसे है, और इसको हमने गार्निश किस चीज़ के साथ किया था, हमने इसको ना थोड़ा सा ब्राउन प्याज के साथ गार्निश किया था, उसके साथ उसका टेस्ट इतना मज़ेदार, इतना लाजवाब, कमाल टेस्ट होता है ना, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अब चावलों का हम खा रहे हैं पानी ड्राई, आपने भी इसी तरह ऊपर से कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही खुला छोड़ के पानी ड्राई कर लेना है, जैसे पानी ड्राई होता है ना फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब आपको नज़र होगा कि पानी काफ़ी हद तक हमने खुशक कर लिया, और बस आप इसको कवर करके ना बिल्कुल फ्लेम कर देनी है लो, और फिर मिलते हैं आप के साथ 20-25 मिनट के बाद, और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो माशाल्लाह तबारकअल्लाह आप देख सकते हैं हमने ना जैसे 20-25 मिनट हो गए तो फौरन ही हमने इसको ना प्लेट आउट कर लिया था, तो देख लें आपके सामने, अगर हम इसको और भी 10-15-20 मिनट रहने देते ना तो इतने खिले खिले होने थे ना, अभी वैसे ही अलग अलग हैं, लेकिन मज़ीद इसको छोड़ दे आपको पता ही होगा सभी कुकिंग करते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कुकिंग करते हैं, तो देख लें माशाल्लाह दोबारा गला कितना खूबसूरत सा पुलाव है, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्ट है, बस इसमें ना तीखा हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि आज हमारा दिल था कि कम ही खाएं ना, बहुत ज़्यादा मिर्ची हम खाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।